सो हाई किसको मैच मैं सुरू जब किस सपोर्ट और आजकल में हम बात करेंगे हाउ टू गेट एडसेंस अप्रूवल। सो अगर आप गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं तो इस ट्यूटोरियल के साथ बने रहिएगा। आज के ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप गूगल का एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहूंगा जिसका मैंने एडसेंस अप्रूवल ले रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गूगल का एडसेंस अप्रूवल मैंने रिसेंटली लिया है उसका आप चेक कर सकते हैं। इसका डेट आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जो डेट लिखा गया है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जो कि 20 जनवरी को मैंने इसको अप्रूवल कराया था 2021। मतलब इसका मतलब ये है कि 2021 में जैसे 2021 की शुरुआत हुई उसके बाद मैंने इसे जनवरी 20 तारीख को अप्रूव करा लिया था। तो इस तरीके से मैं बहुत सारे ब्लॉग जो है कि मेरे हैं, बहुत सारे वेबसाइटें हैं जिसको मैं अप्रूव कराता रहता हूं और अप्रूव करा के उनका इस्तेमाल करता हूं, यूज़ करता हूं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आपको बता दूं कि आप भी अप्रूव करा सकते हैं अपनी वेबसाइट को, अपनी ब्लॉग को। और अगर आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट को अप्रूव कराना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा और कोशिश करूँगा आपकी ब्लॉग या वेबसाइट को अप्रूव करा के दे सकूँ। अगर हम बात करें इसकी अप्रूवल की तो ये अप्रूव्ड हुए 15 से 20 दिन हो गया और इसको मैं चाहता तो मैं इसके बारे में एक वीडियो बना सकता था और बता सकता था कि ये अप्रूव्ड हुआ है। लेकिन बहुत सारे डोमेन को मैं अप्रूव कराता हूँ और उन डोमेन के बारे में मैं आपको बिल्कुल नहीं बताता। मैं नहीं चाहता कि हर एक डोमेन को मैं सार्वजनिक करूँ, हर एक डोमेन को जो है कि पब्लिकली मैं शो करूँ कि ये अप्रूव्ड हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हर एक डोमेन को पता चल जाता है, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर ब्लॉगर को प्रॉब्लम होती है। आप भी कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास 10-15 वेबसाइटें हैं या फिर अच्छी अच्छी वेबसाइटें हैं तो उनको आप सबको मत शो करिएगा, सबको मत दिखाइएगा। आप उनमें से एक ही या दो को वे ब्लॉग को आप दिखा सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 ब्लॉग को दिखा सकते हैं, 3 वेबसाइट को दिखा सकते हैं, जो कि आपके लिए सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम बात करें, ये एक नया अप्रूव हुआ है और इसको मैं एक बार फिर से रिलोड करके आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये प्रूफ रियल है या फिर फेक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे गूगल एडसेंस अप्रूवल हम कैसे लेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है मैं बहुत सारे गूगल एडसेंस अप्रूवल करा चुका हूँ, ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइटें ले चुका हूँ और डेट आप देख लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि आप डेट पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसे अपडेट मैंने कर दिया और डेट पर आप ध्यान दीजिएगा। ये वेबसाइट अगर हम बात करें तो 2021 में ही ये अप्रूव हुई है। बात करते हैं किससे गूगल एडसेंस का अप्रूवल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपने ब्लॉगर अकाउंट पर और यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप गूगल का एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती है। मैं आपको एक वेबसाइट डिजाइन करके ऑलरेडी रख चुका हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे 21 आर्टिकल यहाँ पे आ चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, यहाँ वीडियोस हैं और इन वीडियोस पे भी आपको अप्रूवल मिलती है। मैं वो सब कुछ आपको गाइड करने वाला हूँ, हर एक चीज़ जिससे आपको गूगल का एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 पोस्ट है और इस ब्लॉग को भी मैं आपको अप्रूव करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ हैं और कुछ भी नहीं है। तो इस ब्लॉग को मैं व्यू करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मैं कभी भी सजेस्ट करता हूँ कि आप 20 से 25 तक आर्टिकल रखें। अगर आप कोई कॉन्टेंट नहीं रख रहे हैं, वीडियो रख रहे हैं, तो उससे कम से कम 30 कॉन्टेंट आप रखें। तो यहाँ पर मैं 20 रखा हूँ और 20 रखने के बाद हर एक चीज़ मैंने ओके कर दिया है, इसका हर एक चीज़ डिजाइन कर दिया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये होता है गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए जाने के लिए, जो आपका टेम्पलेट होता है, जो भी आप थीम यूज़ करते हैं उसका लेआउट होता है। लेआउट अगर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, इसका मतलब ये है कि गूगल का एडसेंस अप्रूवल आपको मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंस बात होती है उसको भी आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। इसके अलावा आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यकता होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा गूगल का इंडेक्सिंग यहाँ पर दिखा रहा है, इससे भी बहुत ज़रूरी होता है ये आपको पता लगाना कि गूगल में कितने आर्टिकल इंडेक्स्ड हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पर इंडेक्स्ड हैं, बहुत सारे वीडियोज़ इंडेक्स्ड हैं। तो ये जरूरी है कि आपकी इंडेक्स्ड हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स्ड हो, तभी आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको एक चीज़ और चेक करना होता है, यहाँ पे अर्निंग का जो इन टैब है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अर्निंग के टैब को, इसको आपको चेक करना होता है कि ये एनेबल है या नहीं है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप ब्लॉग बनाते हैं, आपको ये पता करना होगा कि ये एनेबल है या नहीं है। जैसे ये एनेबल हो जाता है उसके बाद आप रेडी हो जाते हैं गूगल से अर्निंग करने के लिए, या फिर गूगल को अप्लाई करेंगे तो आपको रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है अगर आप ब्लॉगर पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप वर्डप्रेस पर काम कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपको अप्रूव्ड हो या ना हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो है कि अपने टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करना है और एक बेहतरीन तरीके से कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइजिंग बहुत ज़रूरी है, अगर आप अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ नहीं कर पाते हैं हो सकता है कि आपको गूगल से अप्रूवल ना मिले। तो अगर आप अपने टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं या फिर थीम को डिज़ाइन करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी ऐसा चीज़, अगर वेब डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी ऐसा जो कि काम आप करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे जो कि इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपको जो कि मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में ईमेल दिख जाए
जाएगी, उसके जरिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको जो है कि हेल्प कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वेबसाइट को डिजाइन कर दूं, या फिर कोशिश करूंगा आपके टेम्पलेट को जो है कि कस्टमाइज़ कर दूं। गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो, बहुत ही हेल्पफुल हो, उसके रिलेटेड मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से गूगल एडसेंस अप्रूवल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हर एक चीज़ प्रॉपर है, हर एक चीज़ जो है कि लिंक है, और हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दे रखा है। तो इस तरीके से भी अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको जो है कि यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है। तो चलिए, आने वाले ट्यूटोरियल में इसी वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसी को अप्रूव करके दिखाऊंगा और इसी को अप्लाई करूंगा। हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, इसकी दो या तीन सीरीज आने वाली है और दोनों तीनों सीरीज में मैं आपको इसको अप्रूव करके दिखा देने वाला हूं, और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे ये ब्लॉग जो है कि अप्रूव हो रहा है। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।